हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हट पे। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं शिक्षा निदेशालय की 108वीं की गणित विषय की वर्कशीट, जो है वर्कशीट नंबर 59। आज की तिथि है 23 नवंबर 2020। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। तो बच्चों ये हमारा जो मुख्य पाठ है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आयतन के बारे में। तो हमारा फोकस आयतन के ऊपर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक ठोस आकार जैसे मोम, लोहा आदि को गर्म करके द्रव बनाया जाता है और फिर उन्हें एक पात्र में डालकर एक आकार से दूसरे आकार के ठोस में ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में आकृति बदल जाती है लेकिन आयतन वही रहता है। तो बच्चों आकृति एक यहाँ पर दिया है आपको, क्या एक घन है। गर्म करा हमने इसे, फिर ठंडा करा, इसे सांचे में डाल के एक बेलन बना दिया, तो आकृति कैसी हो गई, बेलन हो गई, तो चेंज हो गई आकृति। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या है, इसकी आकृति ही बदली है, इसका आयतन वही का वही है। तो बच्चों ऐसे ही इससे जुड़ा एक सवाल कर लेते हैं। बच्चों अर्धगोला है, अर्धगोला जो है ये हेमिस्फीयर है, इसका आयतन जो है ये क्या होता है बच्चों, याद रखना आपको 2/3 πr³, ये इसका आयतन होता है। तो सवाल करते हैं, पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 × 4/7 लीटर/s की दर से खाली किया जा रहा है, यानी कि 1 सेकंड में कितने खाली हो रही है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाए। ठीक है बच्चों, हमें क्या ध्यान रखना है, आधी खाली कितने समय में हो जाएगी, पूरी नहीं, आधी ध्यान देना है खाली। तो यहाँ पे पाई का मान हमें कितना लेना है, 22/7। तो अर्धगोलाकार टंकी का जो व्यास है वो कितना है बच्चों, 3 मीटर दिया हुआ है। अर्धगोलाकार टंकी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये व्यास है पूरा, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 3/2, इधर भी हो जाएगी 3/2, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। अब अर्धगोलाकार टंकी का आयतन हमें फॉर्मूला हमने पहले देख लिया था, 2/3 πr³ यहाँ पे, तो 2/3 × 22/7 × 3/2³ आ गया, ये क्यूब है। इसको पूरा सॉल्व करा हमने, रख के इसमें मान 22/7, ये पूरा सॉल्व करने के बाद कि हमारे पास 99/14 × ये इतना मीटर क्यूब आ गया बच्चों। तो बच्चों से लीटर में करेंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर क्या है, ये होता है आपका, इसका जितने भी मीटर है उसको अगर हम उसका क्यूब करना पड़ेगा, तो हमें 1 लीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या 1000 से गुणा करने, तो 1000 इतना इसका जो है मुख्य आयतन आ गया, यानी हमारा लगभग इतना इसमें पानी है। तो निकाले जाने वाले पानी की मात्रा हमें क्या करना था, इसका आधा निकालना था। बच्चों हमने पढ़ा है ना आधी खुली जाएगी, तो यहाँ पे हमने इसे 2/1/2 से गुणा कर दिया, यानी कि 2 से भाग कर दिया, यानी आधा कर दिया इसका। तो आधा करेंगे तो ये नीचे 14/2 हो जाएगा, या फिर ऊपर वाले को भाग करके 2/6 लिख देते, तो हमने ये आधा कर दिया इस पूरे आयतन का। आप 3 × 4/7 लीटर पानी निकालने में लगने वाला समय कितना है बच्चों, 1 सेकंड है। तो 1 लीटर पानी निकालने में लगने वाला समय कितना होगा, कम समय होगा, 1 × 7 = 25 कर देंगे यहाँ पे। ये कहाँ से आया, ये हमने करा यहाँ पे 3 × 7 = 21 × 4/7। तो बच्चों ये हो गया आपका 25/7। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इतना लीटर पानी निकालने में लगने वाला समय इसको कर देंगे इससे गुणा, तो ये हमारा 990 सेकंड आ जाएगा। ये इतने इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 16.5 मिनट। तो बच्चों ये हमारा उत्तर आ गया, हमने क्या करा इसमें आयतन निकाला, उससे सरल किया इसे। अब देखते हैं बच्चों बेलन के बारे में अभ्यास, जो उदाहरण है इसका 2। व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है या उसे बदला जाता है, तार की मोटाई जाती है। बच्चों देखो यहाँ पर छड़ का आयतन बराबर तार का, क्योंकि ये जो क्या है एक ही इसी छड़ से ये बनाई गया है तार, तो इसका देखो आयतन हमें क्या, तो हमें इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का बराबर है। इसमें क्या बदल रहा है बच्चों, इसमें देखो त्रिज्या भी बदल जाएगी, इसकी लंबाई भी बदल जाएगी। यहाँ पर इसकी जो ये है, हमें इसका व्यास दिया है कितना 1 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी 0.5 सेंटीमीटर, यानी 1/2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आर हमें याद नहीं, तो तार की मोटाई हमें मुख्यतः निकाली, तो इसके लिए छड़ का आयतन का सूत्र होता है πr²h। ठीक है बच्चों, तो पाई आर का मान यहाँ 1/2, तो हमने निकाला ये वाला, यहाँ पे हमने रख दिया है, ठीक है, गुणा 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 πc³ हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे।
समान आयतन वाली तार अब लंबाई दी है इसकी 18, तो इसको क्या है मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसे गुणा कर देंगे किससे बच्चों, 100 से, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद यहाँ पर तो ये फॉर्मूला लग गया बच्चों पाई आर स्क्वायर एच से, ऐसे ही तो ये आ गया बच्चों पाई आर स्क्वायर गुणा 1800 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि एच की जो है हमें यहाँ पे हमने एच निकाल लिया है, हमने यहाँ रख दिया। अब दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो दोनों को हम बराबर करेंगे तो तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर गुणा 1800 बराबर 2 पाई, ठीक, इसमें से पाई और पाई कट जाएगा, आर वर्ग जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा 2 के नीचे, तो आर वर्ग बराबर 2/1800, सॉल्व करेंगे 1/900 आ जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम तो कैसे निकालेंगे, 1/900 का स्क्वायर रूट 3 × 3 × 10 × 10, तो ये 30 हो जाएगा। अब सीधे आप देख सकते हैं 900 का जो वो है, ये करने से अच्छा आप अगर ऐसे निकालेंगे 900 का वर्गमूल कितना होता है 30 होता है, अगर आपको याद है, या 30 का वर्ग 900 होता है, तो आप सीधे भी लिख सकते हैं 1/30। तो तार का व्यास अर्थात तार की मोटाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 × 1/30, क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या है व्यास जो है इसका क्या होता है डबल होता है, 2 गुना होता है, 2 से गुणा कर देंगे 1/30, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा आपका इतना mm, इसकी तार की क्या हो जाएगी मोटाई हो जाएगी, ठीक। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, शंकु या गोला, तो बच्चों यहाँ पर दिया है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या क्या करो, वही सेम चीज है, आयतन क्या होगा, आयतन बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, बस शंकु की ऊंचाई h दी है आपको कितनी 24 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या r 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर, h सूत्र होता है यहाँ पर 1/3 गुणा पाई, r का मान रख दिया हमने 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये पूरा मान रखने के बाद हमें मिल गया यहाँ पे कितना बच्चों 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब r हमें इसमें क्या है r निकालना है, r और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, इसको हम इसके बराबर रख देंगे बस, क्योंकि ये आयतन मिल गया, ये आयतन मिल गया, इसको जब इसके बराबर रखेंगे तो बच्चों देखो 288 पाई बराबर 4/3 पाई r क्यूब, देखो ये कट जाएगा पाई से पाई, अब ये क्या है r क्यूब है, ये इसके साथ 3 इसके साथ गुणा में आ जाएगा, 4 इसके साथ भाग में आ जाएगा, कुछ इस तरीके से 288 बराबर 4/3 आर क्यूब। तो अब यहाँ पे इसको आर क्यूब लिखेंगे हम, 3 ऊपर चले जाएगा तो 2 × 3 × 288/4, तो बच्चों अब आर का मान निकाल लेंगे हम, यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, कैसे, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो आर क्यूब कितना आ गया बच्चों 72 × 3, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसको तोड़ लिया हमने 72 को 3 × 3 × 2 × 2 × 3, तो ये 72 को हमने जब तोड़ा है तो कितना आ गया है, ठीक। उसके बाद इसमें ये भी बराबर हो जाएगा कितने 6 क्यूब के, तो आर का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसके बाद इसके सवाल आ गए हैं बच्चों, 1 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई याद कीजिए, तो बच्चों आइए इसको करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा पहला, 1 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई याद कीजिए, तो बच्चों ये देखो हमने धातु का गोला बना दिया है, ये गोला धातु का हमने बनाया है, ये इसकी जो है हमें क्या है दी गई है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, अभी बेलन के आकार में ढाली गई है, इसकी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो भाई बच्चों आइए शुरू करते हैं, तो इसकी त्रिज्या लिख लेते हैं हम r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या कैपिटल R लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं, ठीक है, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा गोले का आयतन,
ठीक, तो ये हो, हमने लिख लिया बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब यहाँ मान लेते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच बराबर गोले का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसमें हम मान रख देते हैं। तो मान रखने से पहले ये यहां से ये कट जाए, ठीक। तो आर स्क्वायर जो है बच्चों, आर स्क्वायर के बदले यहाँ पे आर का मान रखेंगे तो 6 का वर्ग गुणा एच बराबर 4/3 गुणा 4.2 का क्यूब। तो इसे सॉल्व करते हैं, 6 का हो जाएगा 36 एच बराबर 4/3 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। ठीक है बच्चों, एच बराबर हो जाएगा आपका 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 × 4.2 / 3 और ये भी इधर नीचे आ जाएगा 36 में। ठीक है, एच बराबर हो जाएगा बच्चों 4.2 × 4.2 × 4.2 / यहां से कटेगा इसे 9 से 3 × 9। बच्चों इसको पूरा सॉल्व करेंगे हम तो हमारा उत्तर आएगा 2.74 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, इसकी ऊंचाई जो है इतनी आएगी। ठीक है बच्चों, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है कि एक किसान ने अपने खेत में बनी 10 सेंटीमीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो बच्चों ये देखो, हमने ड्रॉ कर दिया है, टंकी बना ली हमने, इसका व्यास जो है वो 10 मीटर का दिया हुआ है, इसको हमने 5 मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ऊंचाई 2 मीटर की है। ये पाइप लगा दिया हमने जिसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दिया है हमें यहाँ पे, है ना। तो इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है, टंकी हमें कितने भरेगी। तो सबसे पहले टंकी का आयतन हमें निकालना है। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या करा है, जो इसका व्यास है ये सेंटीमीटर में लिया है, इसकी जो त्रिज्या है ये 10 सेंटीमीटर आ गई, तो पाइप की जो त्रिज्या है मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपका 0.1 मीटर आया। तो एक घंटे में पाइप की लंबाई कितनी है, 3 किलोमीटर। एक घंटे में पाइप की लंबाई कितनी है बच्चों, 3 किलोमीटर या फिर 3000 मीटर। अब एक पाइप में, जब ये पाइप है इसमें एक घंटे पानी का कितना आयतन आएगा, यानी कि कितना पानी के अंदर एक घंटे के अंदर इस पाइप से निकलेगा। तो क्या है, एक घंटे में पानी का आयतन तो सूत्र वही है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई यहां पर लिख दिया हमने बच्चों, पाई आर जो हमें हमने निकाला है ये 0.1 का वर्ग और एच जो है हमें दिया है 3000। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा मीटर में, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा आपका पाई गुणा 30 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हमें पता चल गया किसका, इससे एक घंटे में कितना पानी इसके अंदर आएगा। अब टंकी भरने में लगा समय, टंकी भरने में लगा समय, यानी कि टंकी का आयतन, सूत्र हो जाएगा हमारा क्यों, टंकी का आयतन और एक घंटे में पाइप में पानी, यानी कि पाइप में एक घंटे में कितना आयतन आया पानी का। तो एक घंटे में पाइप में पानी सॉल्व करेंगे टंकी का, तो सिंपल है पाई आर स्क्वायर, इसको पाई गुणा 5 × 5 और एच दिया है 2 और टंकी ये हमें हमने यहां पे निकाला है पाइप का, तो पाई गुणा 30। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा,
5/3 घंटा। तो बच्चों ये आ गया हमारा घंटे में। अब इसको मिनट में परिवर्तित करते हैं। मिनट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा कर देते हैं। मिनट में लगा समय 5/3 × 60 बराबर 5 × 20 बराबर 100 मिनट। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया इसका उत्तर। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपकी ये जो वर्कशीट है सॉल्व कर ली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।